हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी मेकअप ट्रॉली के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप ट्रॉली में हमें क्या क्या सामान जो होता है ज़रूरी रखना चाहिए। जैसे आप पार्लर में वर्क करते हैं, अपना आपका सैलून है, तो हमें जैसे स्टार्टिंग में मेकअप ट्रॉली कैसे बनानी है, किस किस सामान की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कौन सा ब्रांड अभी मतलब हमें जो ठीक लगता है, ब्रांड जिसका काम अच्छा रहता है, उन ब्रांड से कुछ फाउंडेशन, कुछ कॉम्पैक्ट या जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो अगर आपको भी अपनी मेकअप ट्रॉली बनानी है पार्लर के लिए, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं कौन सी ट्रॉली यूज़ करती हूँ, और आप भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें सामान कौन कौन सा रखती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। तो मेरी मेकअप ट्रॉली में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं लिपस्टिक्स कौन से ब्रांड की रखती हूँ। तो इस तरीके से हमारी लिपस्टिक्स रहती है, रिकॉर्ड ब्रांड की, शुगर की, मैबलिन की, सुपरस्टे। इस तरीके से जो जो कलर अभी ट्रेंड में चल रहे हैं हम वही रखते हैं। और ऐसा भी होता है कि कई बार कलर्स ऐसे आ जाते हैं जो हमारे यूज़ में नहीं आते हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन कई बार परचेज़ कर लेते हैं हम लोग। तो आप चाहें तो बिल्कुल सोच समझ के इनको लीजिए, जो जो आपको ज़रूरी चाहिए वो ही लीजिए। इस तरीके से जो भी अच्छा ब्रांड होता है आप उसकी लिपस्टिक्स रखिए, क्योंकि लिपस्टिक का मेन वर्क रहता है कि उसकी लास्टिंग अच्छी होनी चाहिए। तो जो बेस्ट ब्रांड्स मेरे को लगते हैं, मैंने उनकी लिपस्टिक्स रखी हुई हैं। तो इस तरीके से ट्रॉली के मैंने फर्स्ट जो पार्ट है इसमें मैं लिपस्टिक्स रखी हुई हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लिपस्टिक्स को इसमें रख सकते हैं। और सेकंड जो इसका पार्ट है, मैंने उसमें कंसीलर्स रखे हुए हैं। तो जो कंसीलर्स हैं मैं वो आपको दिखा देती हूँ मैं कौन कौन से यूज़ करती हूँ। शुरू में अगर आप ट्रॉली बना रहे तो लिपस्टिक्स की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा रखें, आप कुछ कलर्स रखें। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो लिपस्टिक के से रेड हो गया, पिंक हो गया, ऐसे सिलेक्टेड आप कलर्स रखिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा परचेज़ ना करना पड़े। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि हम जो लिपस्टिक लेंगे वो अच्छे ब्रांड की लें। तो अगर आपको इतनी कॉस्टली नहीं चाहिए तो आप जैसे कलर बार ब्रांड आता है उसकी ले सकते हैं। तो इसके अलावा आप और भी ब्रांड्स को चेक कर सकते हैं जो आपकी रेंज में है, जैसे PAC, कलर बार, ऐसे उनकी रेंज थोड़ी कम रहती है इनसे, तो आप वो वाले प्रोडक्ट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं रखती हूँ अपने सेकेंड जो ट्रॉली का पार्ट है उसमें मैं रख रही हूँ थोड़े से कंसीलर्स, जो कि टार्ट ब्रांड के हैं, पिक्सी के हैं, और फॉरएवर 52 और PAC सुपर स्पॉटलाइट। इस तरीके से जो कंसीलर है मेरे पास फॉरएवर 52 के हैं, PAC का स्पॉटलाइट, और टार्ट ब्रांड के और पिक्सी ब्रांड्स के मैंने कंसीलर्स रखे हुए हैं। इससे नीचे की रेंज में भी काफ़ी सारे ब्रांड्स के कंसीलर्स आते हैं, जैसे मैबलिन हो गया और कलर बार हो गया, इनमें कंसीलर्स आते हैं, आप वो परचेज़ कर सकते हैं शुरू में अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ये है, इसमें मैंने ग्लिटर्स रखे हुए हैं। तो ग्लिटर्स भी मेरे पास बहुत सारे हैं अलग अलग ब्रांड्स के। तो ऐसा क्या होता है, हमें कई बार परचेज़ करने ही पड़ते हैं नए नए ब्रांड्स के, और यूज़ नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमें क्या क्या लेना है। तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग मंगा के रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ ग्लिटर्स जो हैं वो मेकअप स्टूडियो ब्रांड के रखे हुए हैं। ये इंग्लोड ब्रांड का है, ये बहुत अच्छा ग्लिटर है हमारे पास। और इसके अलावा मैंने फॉरएवर 52 के कुछ ग्लिटर्स मंगा के रखे हुए हैं अलग अलग शेड्स, तो आप भी इस तरीके से मंगा सकते हैं ग्लिटर्स को। इसी वाले बॉक्स में मैंने आई बेस भी रखे हुए हैं दो, जो कि निक्स ब्रांड के हैं। तो एक स्किन टोन के हिसाब से और एक फेयर, जैसे बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना हो मेकअप को तो हम ये वाला आई बेस यूज़ करते हैं। इसी बॉक्स में मैंने आईब्रो डिफाइनर रखा हुआ है, जेल लाइनर रखा हुआ है, आई मैजिक का भी जेल लाइनर है इसमें। इस तरीके से अलग अलग और भी ग्लिटर्स और भी ब्रांड्स के हैं। ये वाले ग्लिटर्स आपको सस्ते पड़ जाएंगे, ये ब्राइडल स्टूडियो के नाम से, तो ये मेरे यूज़ में कम आते हैं लेकिन रखे हुए हैं मैंने। ये मैक का आई शेडो है, शिमर आई शेडो ग्लिटर वाला,
तो इस तरीके से हमने इस वाले बॉक्स में अपने ग्लिटर्स रखे हुए हैं, कुछ लाइनर रखे हुए हैं, और जैसे देखिए क्राइलोन का भी है मेरे पास, और आई बेस हमने इस वाले बॉक्स में रखे हुए हैं। अच्छा, हमारे इस वाले जो ट्रॉली का बॉक्स है इसमें मैंने अपने लिप लाइनर्स रखे हुए हैं। लिप लाइनर काफ़ी सारे रखे हुए हैं इसके अंदर, कुछ लिपस्टिक्स हैं, कुछ काजल हैं, आईलाइनर है, आईलाइनर लिक्विड है जो हमारे पास, वो भी 3-4 तरीके के हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी एक, ऐसा नहीं बहुत सारे लेने हैं, आप कोई भी एक ले सकते हैं, क्योंकि हमें देखने पड़ते हैं कि किसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइनर्स रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसमें मेरे जेल लाइनर थे, इसमें मेरे लिक्विड लाइनर्स हैं, और काजल भी अलग अलग ब्रांड के हैं। फॉरएवर 52 का है, के ब्यूटी का है, रिकोट का है, इस तरीके से हमने काजल भी रखे हुए हैं। ऐसे लिप लाइनर्स भी अलग अलग हैं हमारे पास। देखिए काजल भी कितने तरीके के हैं हमारे पास। तो इस तरीके से आप इस बॉक्स में, मैंने ये रखा हुआ है, आप भी रख सकते हैं। पैक के भी काजल और आईलाइनर है, आईलैशेस ग्लूब है हमारे पास, ये भी रखना ज़रूरी होता है। आप आईलैशेस की एप्लीकेशन करते हैं तो, और एक हमें अपनी ट्रॉली में मस्कारा रखना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके के हमारे पास जैसे प्राइमर है, प्राइमर भी हमने 2-3 तरह के रखे होते हैं अपने पास। ये आईब्रो डिफाइनर है, आईब्रो डिफाइनर मैंने आपको पहले जेल वाला दिखाया था, ये पाउडर बेस है लॉरियल का। कुछ शार्पनर्स रखेंगे, ये भी आई शेडो होते हैं जो केक बेस में आते हैं, ये भी आई शेड्स हैं के ब्यूटी के। इसमें मैंने 2 कलर्स मंगाए थे, 2-3 कलर्स हैं इसमें हमारे पास। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेनी ही पड़ती हैं ट्राई करने के लिए। कुछ शार्पनर्स रखेंगे अपनी ट्रॉली में फाइल करने के लिए। ये ग्लिटर ग्लू है, जो ग्लिटर्स हम यूज़ करते हैं उन पर लगाने के लिए ग्लू है ये। तो इस तरीके से हमारे ये भी पूरा हो गया। जैसे बॉबी ब्राउन का इसमें हमारे पास बेस भी है, फॉरएवर 52 का भी लाइनर है। मैंने आपको देखो 3-4 लाइनर पहले दिखा दिए, एक और लाइनर है। तो इसके बाद हम लोग आएंगे बीच वाले पार्टीशन में। अब मैं जो सेंटर में सामान रखती हूँ उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो मैं सामान बाहर निकालती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। जैसे इसमें हमने रखा हुआ है टोनर, इसमें हमने रखा हुआ है फेस टोनर, रियो हर्ब का मेकअप फिक्सर, और इसमें मेकअप फिक्सर PSC ब्रांड का भी है। ऐसी हमने मिक्सिंग पैलेट रखी हुई है जिसमें हम लोग फाउंडेशन को मिक्स करते हैं। इस तरीके से हमने कॉम्पैक्ट ग्लिटर्स, आई शेड्स, फॉरएवर 52 की कंसीलिंग पैलेट। अब देखिए लिक्विड कंसीलर्स मैंने दिखाए थे, अब ये जो केक बेस हैं वैसे अब ये क्रीम बेस कंसीलर्स हैं। तो आपको बहुत सारी वैरायटी रखनी ही पड़ती है अपने ट्रॉली में। अब देखिए ग्लिटर्स आई शेड्स हैं, ये मैट आई शेड्स हैं, ये भी कंसीलिंग पैलेट है जो कि मेकअप स्टूडियो ब्रांड की है। तो ये भी 2 हैं मेरे पास। ये हाइलाइटर है PSC ब्रांड का, ये कॉम्पैक्ट है PSC ब्रांड का, ये भी ग्लिटर आई शेड्स हैं, शिमरी आई शेड्स कहते हैं इनको। ये भी हाइलाइटिंग पैलेट है हमारी आई मैजिक ब्रांड की। तो हाइलाइटर देखिए 2 तरह के हो गए ये, और एक ये 3 तरह के हो गए फॉरएवर 52 का। ये देखिए 3 तरह के हमारे हाइलाइटर हो गए, 2 तरह के हमारे पास कॉम्पैक्ट हो गए। मैं ज़्यादातर लूज़ पाउडर का यूज़ करती हूँ। ये आई शेड्स हो गए, आई शेड्स आई मैजिक पैलेट के भी हैं हमारे पास। और तो मेकअप में तो आप जितना सामान रखें उतना ही कम होता है, इसलिए बहुत सारी रेंज रखनी पड़ती है। लेकिन आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मत खरीदिएगा, क्योंकि हमें पहले रिस्पॉन्स देखना होता है हमारे क्लाइंट का रिस्पॉन्स कैसा है, तब आप ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं। यूरोप गर्ल का है ये, आई मैजिक का ये प्रो आई शेडो पैलेट है आई मैजिक ब्रांड का। ये PSC ब्रांड का है। कुछ सब्सक्राइबर्स ने मैसेज भी किया था कि आप कौन से ब्रांड की आई शेडो पैलेट यूज़ करते हैं, तो आप आई शेडो पैलेट्स देख लीजिए अच्छे से।
ये PSC ब्रांड की है, 02 प्योर क्लासिक के नाम से। इसके आई शेड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है इनसे। ये आई मैजिक वालों की जो आई शेडो पैलेट है, इसमें दो तरह के आई शेड्स हैं। ये मैट शेड्स में होते हैं जो कि क्रीज वगैरह बनाने के काम आते हैं, और ये शिमरी आई शेड्स इसमें हैं। और अब ब्लशर पैलेट है हमारे पास रेवोल्यूशन की, एक क्राउन ब्रांड की है और एक हमारे पास PSC ब्रांड की है। इस तरह से ब्लशर पैलेट हो गई। लूज पाउडर्स जो मैं रखती हूँ वो मेकअप स्टूडियो ब्रांड के रखती हूँ मैं, तो इस तरह से हमारे पास ये लूज पाउडर्स हैं। और ये ब्रो होता है, इसको ब्रोज के लिए होता है, जो कि मतलब ब्रोज को एक शेक देता है, तो ये उसके काम में आता है। ये भी आप परचेज कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ ये क्यूपर्स रखती हूँ अपने ट्रॉली में। अब हमारे कुछ फाउंडेशंस होते हैं जो कि मेकअप स्टूडियो ब्रांड के मैं यूज़ करती हूँ। फाउंडेशंस भी अकॉर्डिंग टू स्किन यूज़ करने होते हैं, तो इसलिए कुछ इसके और मैं आपको और भी फाउंडेशंस दिखाती हूँ। ये हमारे क्राउन ब्रांड का ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ये भी HD पाउडर है। ये हमारे फाउंडेशंस हो गए। तो क्या होता है, फाउंडेशंस हमें कुछ ही ख़रीदने होते हैं, बाकी मिक्स मैच करके हम लोग फाउंडेशन शेड जो होता है ना फेस का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा फेस प्राइमर रिकॉर्ड ब्रांड का, और ये इंग्लोट का जो जेल है, इसको मैं फाउंडेशन को पतला करने के काम में रहती हूँ। ये थिक होते हैं वाले फाउंडेशंस, तो ये इसमें अच्छे से ब्लेंड करने के लिए हम ये इंग्लोट का ड्यूरा लाइन जो है ये डालते हैं। कभी कभी हमारा जेल लाइनर जो होता है ड्राई हो जाता है, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मॉइस्चराइजिंग के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो एम्ब्रोलिस की मॉइस्चराइज़र है। ये अपनी इसका वाइट वाला सारा ये ख़त्म हो गया, ये अपना कॉन्टोरिंग पैलेट है। तो हम जो मैं आपको बताती हूँ, कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग हम इस पैलेट से भी कर सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है हमारे पास, कॉन्टोर करने का और हाईलाइट करने का। और ये कंसीलिंग के भी काम में आती है। ये स्ट्रोक क्रीम है मैक ब्रांड की। ये फेसेस कनाडा का पीच एंड क्रीम मॉइस्चराइज़र है, जो कि बहुत अच्छा है। इसको हम लोग मेकअप के यूज़ में लेते हैं, इसको हम वैसे भी लगा सकते हैं अपनी स्किन पर। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक हल्की सी फिनिशिंग के लिए हम ये वाला मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। ये पीच स्किन टाइप का ही होता है, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और एक शाइन देता है फेस को। ये फेसेस कनाडा ब्रांड का पीच एंड क्रीम है, पीचेस एंड क्रीम। तो मैं आपको कुछ और फाउंडेशंस दिखाती हूँ जो लिक्विड हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सामान रख रख के मेरी ट्रॉली छोटी पड़ गई, तो मेरे को और भी सामान अलग से रखना पड़ता है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम एक ट्रॉली और परचेज़ करूँगी ताकि मेरा सारा सामान अच्छे से आ जाए। तो इनको मैं थोड़ा सा सामान अंदर रख देती हूँ ताकि आपको मैं और भी सामान अपना दिखा सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि कौन सा सामान आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको कौन कौन सा सामान स्टार्टिंग में रखना चाहिए अपनी ट्रॉली में। तो इस तरीके से हम लोगों ने लैशेज रखी हुई हैं इसमें, अलग अलग तरह की। ये अकॉर्डिंग टू मतलब आइज़ के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि कितना कैसा हैवीनेस चाहिए या फंक्शन कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये आई लैशेज़ का यूज़ करते हैं। आई मैजिक की है, मेरे पास PSC ब्रांड्स की और बहुत सारे ब्रांड्स की आई लैशेज़ भी हैं। और जैसे हम लोग एयर ब्रश मेकअप करते हैं तब हम लोग Temptu ब्रांड का यूज़ करते हैं। इसमें भी बहुत सारे फाउंडेशंस होते हैं जिनको मिक्स मैच करके हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरीके से शेड्स होते हैं एयर ब्रश मेकअप में। इस तरीके से डिफरेंट शेड्स होते हैं एयर ब्रश मेकअप में भी, जिनको मिक्स मैच करके कलर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन। कुछ ब्लशर्स होते हैं, हाइलाइटर्स होते हैं, कॉन्टोर के लिए होते हैं कलर्स। तो ये हमें परचेज करने होते हैं जब हम एयर ब्रश मेकअप करते हैं। तो एयर ब्रश जो मैं रखती हूँ मेरे पास Temptu ब्रांड का है। इस तरीके से इसकी मशीन आती है, तो ये हैंडी है, बहुत अच्छी रहती है। आप कहीं भी जाएँ तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। बाकी इसकी मशीन दूसरी भी आती हैं, बट ये वाली जो मशीन होती है ये बाहर अंदर ले जाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो हमने ये वाली मशीन एयर ब्रश मेकअप के लिए परचेज़ करी हुई है। तो इस तरीके से बाकी और प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ट्रॉली बहुत छोटी है, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरीके से जैसे मैंने मैक ब्रांड का टोनर रखा हुआ है, फिक्सर भी है, ये मैक का प्रैप प्लस प्राइमर है, तो इसके दोनों काम होते हैं।
मॉइस्चराइजिंग करने में से स्किन पे टोनिंग करने के भी वर्क में आता है, प्रैप करने के, और एज अ प्राइमर भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, फिक्सर भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें से हमने नायका ब्रांड्स की लिपस्टिक्स मंगाई थी लिक्विड, ये मैक का आई शेडो पैलेट है, ये के ब्यूटी का ब्रशर है, ये पी एस सी ब्रांड का कंसीलर है, जैसे पर्टिकुलर ऑरेंज शेड हमको चाहिए तो ये कंसीलर बहुत अच्छा है ऑरेंज शेड के लिए। कुछ कंसीलर्स हमारे पास एले गर्ल के हैं, कुछ मैबलिन ब्रांड के हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे हम लोग मेकअप करते हैं, कोई अच्छा मेकअप करा लेता है, अच्छा पेमेंट कर देता है, कोई नॉर्मल कराते हैं, तो उस हिसाब से हमको प्रोडक्ट्स भी उनके मतलब के रखने पड़ते हैं। जैसे नॉर्मल कोई मेकअप कराता है तो हम लोग मैबलिन या एले गर्ल का यूज़ कर लेते हैं, कोई अच्छा कराता है तो हम लोग टार्ट ब्रांड के कंसीलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, या फॉरएवर 52 के करते हैं। ऐसे मैक का सामान है हमारे पास कुछ, ये पी एस सी का मॉइस्चराइजिंग लोशन है, क्रायलोन का प्राइमर है ऑल स्किन टाइप, तो आपको केवल एक ही प्राइमर परचेस करना है तो आप क्रायलोन ब्रांड का एच डी माइक्रो प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्राइमर है ये, ऑल स्किन टाइप है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। ये कुछ लिक्विड ब्रशर है हमारे पास, ये दो हैं, और एक ये आई मैज O2O का है, ये बहुत अच्छा ब्रशर है, तो एक अच्छा सा पिंकिश लुक देने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये प्राइमर है पी एस सी ब्रांड का, ऑयल प्राइमर है, तो इसको हम लोग कभी कभी फाउंडेशन को भी हल्का करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ये आई मैजिक का स्केच लाइनर है, कुछ इसमें लिपस्टिक्स पड़ी हैं वो पी एस सी ब्रांड की है, मस्कारा पड़ा है लॉरियल ब्रांड का, ऐसे बहुत सारा सामान है। ये भी देखिए आई लाइनर है स्केच लाइनर, ये थोड़ी नॉर्मल रेंज की आई लैशेज ग्लू है, लेकिन इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी नहीं है। ये बेलोरा ब्रांड का एलिमिनेटर मॉइस्चराइज़र है जो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से देखिए आप इस ट्रॉली में, इसी में दिखा देती हूँ मैं आपको कि क्या क्या सामान है मेरे पास, तो आप भी इस तरीके से देखिए। ये हाइलाइटर है बहुत अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी फिनिशिंग, एक अच्छा सा लुक देता है ये। तो इस तरीके से ये बॉक्स हो गया, इसमें बॉबी ब्राउन का मॉइस्चराइज़र भी है। कुछ मैंने लिक्विड लिप्स ये वाली लिपस्टिक्स मंगाई हुई थी, ये बेलोरा ब्रांड्स की हैं, तो ट्राई करना पड़ता है इसलिए मंगवानी पड़ती है, ज़्यादा अच्छी नहीं है ये लिपस्टिक, ये आप मत परचेज़ कीजिएगा। कुछ लिक्विड हमारे पास, जैसे हमने मैंने आपको बताया कि ये वाले केक बेस में होते हैं, इनकी लास्टिंग बहुत अच्छी होती है, बाकी ये जो ड्राई स्किन होती है उनके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करते हैं वाले। कुछ ऐसा होता है कि स्किन ऑयली होती तब हमको लिक्विड ज़्यादातर यूज़ करने चाहिए, जो ये होते हैं फाउंडेशंस। तो इसमें मेरे के पास पी एस सी ब्रांड का है, फिट मी का एक ही रखा हुआ है, क्रायलोन ब्रांड का है हमारे पास, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके, फॉरएवर 52 के हैं हमारे पास इसमें, और एले गर्ल के हैं, जो आप अगर मीडियम रेंज में, जैसे मैं बताती हूँ पार्टी मेकअप वगैरह आता है तो हम एले गर्ल का यूज़ करते हैं, फॉरएवर 52 का हम लोग ब्राइड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम दो रेंज में ब्राइड्स का मेकअप करते हैं तो। तो इसमें पी एस सी ब्रांड के फॉरएवर 52 के, और क्रायलोन और एले गर्ल, और एक कार्ड मैबलिन का है, दो शुगर के भी मंगाए थे, ये भी बहुत अच्छे हैं, आप नॉर्मल पार्टी मेकअप वगैरह में इनको भी यूज़ कर सकते हो, और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लास्टिंग भी अच्छी है इनकी। तो इस तरीके से हमारी काफ़ी सारा मेकअप का सामान है, आप धीरे धीरे जैसे जैसा बन सके उस तरीके से सामान खरीदिएगा अपने लिए, और बहुत ही जो आपको रेयर सामान चाहिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से कि हम लिमिटेड कितना सामान रखें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो कि हमको कौन सा सामान रखना है, तब मैं आपको बता दूंगी। अगर ज़्यादा सामान है आपके पास, ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं और आप अच्छा सामान रखना चाहते हैं, तो आप ये पूरा सामान भी धीरे धीरे करके परचेस कर सकते हैं। तो जो अच्छा था मैंने उसके बारे में आपको बता दी, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, और जो नॉर्मल रिजल्ट्स के साथ है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।